मुनव्वर फारूकी को ये समर्थ डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। भाई इसको मुनव्वर का पता नहीं कि मुनव्वर जो है ऐसी गेम्स में अपने शेडो के ऊपर भी बिलीव नहीं करता है। मुनव्वर की यही क्वालिटी है जो उसको शो का विनर बनने देती है, और इसीलिए इस क्वालिटी की वजह से लोग जो है आज भी अभी भी यही बात बोलते हैं कि मुनव्वर फारूकी जो है 17वें सीज़न का विनर बनने वाला है। हालांकि लंबा समय है, अब कुछ नहीं बोल सकते, पर दिल वाले जो प्यार करते हैं मुनव्वर को, वो तो मुनव्वर को ही विनर मानेंगे। जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि समर्थ है, समर्थ जो है, समर्थ को पूछ रहा कि भाई कैसा प्रोमो आए थे, प्रोमो व्रोमो कटे? तो बोला कि हाँ भाई कटे, जैसे कि स्टार्टिंग के प्रोमो आए थे, पहले अंकिता का आया प्रोमो और थोड़ा बहुत फेस दिखाया गया तो सब लोगों ने समझ लिया। क्या बोला, अंकिता का आया ओके ही रहा, ईशा का आया 1 मिलियन से भी ऊपर गया, फिर उसके बाद अभिषेक का आया उसका 25,000 कुछ गया। मैंने ये चीज़ सुनी है कि ये बात बोली है वहाँ पर समर्थ ने कि तेरा आया था, मतलब कि साइड फेस ऐसा दिखा रहे थे, पता चल ही जाता, सबको पता चल जाता कि तू ही है, 15,000 तक कुछ गया, मतलब कि कलर्स टीवी वालों ने जो रील डाली थी वो गई है। भाई एक बात तो मैं समर्थ को बोलना चाहती हूँ, और जो लोग समर्थ को पसंद करते हैं ना, मैं उनको भी ये बात बोलूँगी कि जब जब मुनव्वर के बारे में पता चला ना, जब मुनव्वर का एक छोटा सा प्रोमो आया ना, और सिर्फ मुनव्वर को ही साइड फेस दिखाया गया था, क्यों? टीआरपी के लिए, क्यों ज़्यादा बात चले सोशल मीडिया पर। और ये ईशा विशा है ही क्या भाई मुनव्वर के सामने। मुनव्वर का जब प्रोमो आया, मुनव्वर के बारे में जब पता चला, तब मुनव्वर और जो अंकिता लोखंडे हैं, यही दो कंटेस्टेंट थे जिनकी चर्चा जो है सोशल मीडिया पर ज़्यादा चल रही थी। पर अंकिता लोखंडे तो गुम हो गई, पर मुनव्वर अभी भी और भी ज़्यादा बुलंदियों पे जा रहा है। लोग जो है मुनव्वर को एक नए रूप में देख रहे हैं, चीज़ें हैंडल करते हुए देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग मुनव्वर को। और ये बंदा डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। भाई किसको कर रहा है डीमोटिवेट करने की कोशिश? तेरे को वो बेच भी देगा, तेरे को पता भी नहीं चलेगा तू बिक गया। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।